हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने खीर बनाने वाले चावल का यूज़ की हूँ और एक कटोरी हम इस तरीके से खीर बनाने वाले गोविंद भोग राइस ली हूँ। और अब हम इसमें 4 चम्मच काले वाले उड़द दाल डालेंगे। यहाँ मैंने छिलके निकली हुई उड़द दाल का यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के लिए स्पेशल खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए उड़द दाल या काली तिल का यूज़ किया जाता है। और अब हम इसमें 1/2 कटोरी मसूर की दाल डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ उड़द दाल और चावल से भी इस खिचड़ी को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं मसूर की दाल मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसे पानी डाल करके हाथों से अच्छे से मसलते हुए 1 से 2 बार हम पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे इसके धूल और मिट्टी अच्छे से साफ हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। आलू गोभी बीन्स गाजर को अच्छे से कट कर लिया। यहाँ मैंने 2 आलू को अच्छे से छील के बड़े टुकड़ों में काटा है और 1 टमाटर को यहाँ मैंने काट लिया है और थोड़े से मटर और 2 हरी मिर्च ली हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अभी सीजनल सब्जी है तो मार्केट में इजीली मिल रहा है। और अब हम इस तरीके का पॉट या बर्तन लेंगे खिचड़ी बनाने के लिए। और पॉट को यहाँ मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। पॉट हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों की तेल डालेंगे। यहाँ मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा तेल गर्म हो गया, हम इसमें कटे हुए आलू ऐड करेंगे। आलू डालकर इसे हाई फ्लेम पे ही हम इसे चलाते हुए तेल में हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, जिससे आलू का कच्चापन खत्म हो जाएगा और आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं आलू हमारे क्रिस्पी और गोल्डन कलर के भी हो गए हैं। तो इस टाइम पे हम आलू को प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे आलू को प्लेट में निकाल ली हूँ। और अब हम बचे हुए तेल में गाजर ऐड करेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम गाजर डालकर इसे भी ऑयल में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। और अब हम इसमें कटे हुए बीन्स डालेंगे और गाजर और बीन्स को हम एक साथ ही हाई फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे, जिससे गाजर और बीन्स हमारे एक साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम यहाँ मैंने हाई ही रखा है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बीन्स और गाजर को भी निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और सब्जियाँ भी हमारी फटाफट से फ्राई हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गाजर और बीन्स को भी अच्छे से भून के फ्राई करके प्लेट में निकाल ली हूँ। और अब हम पैन में 1 चम्मच और तेल डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके फूल गोभी डालेंगे। यहाँ मैंने कच्चे वाले फूल गोभी का यूज़ किया है, तो आप इस तरीके से इसका डंठल ऊपर और फ्लावर नीचे करके रखेंगे तो आपके फूल जल्दी और इजीली फ्राई होंगे। और आप देख सकते हैं गोभी को यहाँ मैं इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे गोभी हमारे जल्दी पकेगी भी और ये अच्छे से गोल्डन फ्राई भी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गैस का फ्लेम 20 से 25 सेकंड के लिए हाई कर लिया था, जिससे गोभी हमारे जल्दी फ्राई होंगे। और आप देख सकते हैं गोभी हमारे सुनहरे कलर के फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से आप सारी सब्जियों को फ्राई करके प्लेट में निकाल ले। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हम फ्लेवर के लिए जीरा डालेंगे। और यहाँ मैंने कुछ सूखे गरम मसाले ली हूँ, यहाँ मैंने 2 टुकड़ा दालचीनी के ली हूँ और 1 सूखी मिर्च को इस तरीके से हम तोड़ देंगे। और यहाँ मैंने 3 लौंग और 2 तेज़पत्ते का यूज़ की हूँ। और अब हम इन सभी मसालों को तेल में डाल करके इसे तेल में अच्छे से क्रैक होने देंगे। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से भुन गई है। और अब हम इस टाइम पे इसमें धुली हुई या भिगोई हुई दाल और चावल को मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम
20 से 25 सेकंड के लिए हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे दाल और चावल को अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से खिचड़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को चावल के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 1 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे सारे मसालों का फ्लेवर चावल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इस टाइम पे हम इसमें हरे मटर ऐड करेंगे। हरे मटर डाल करके हम इसे भी चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सीजनल मटर का यूज़ की हूँ, इसलिए मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ, जिससे मटर भी पकने में टाइम लेगा तो हमारे चावल के साथ ये अच्छे से कुक हो जाएगी। और अब हम इसमें जितना हमने चावल लिया था उसका 3 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का इसमें पानी डाली हूँ और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे चावल को पानी के साथ अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे चावल तले में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और अब हम खिचड़ी को ढक करके हम इसे 10 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। और आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं, खिचड़ी में बहुत ही अच्छे उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम पे हम इसे फिर से एक बार नीचे से अच्छी से चला लेंगे, जिससे खिचड़ी के चावल तले में लगेगी नहीं और खिचड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब हम इसमें 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक डालेंगे, ये डालना ऑप्शनल है। और अब हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को हम एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने इस टाइम पे हाई रखा है। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 मिर्च डालेंगे। यहाँ मैंने मिर्च को बड़े टुकड़ों में काटा है, जिससे हमारा खिचड़ी बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। और अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए एक एक करके सब्जियाँ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गोभी ऐड करेंगे और फिर हम इसमें बीन्स और गाजर ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इस टाइम पे आप अगर सब्जी ऐड करके इसे पकाएंगे तो सब्जियों में भी मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और सब्जियां हमारी अभी अच्छे से कुक नहीं हुई है। जैसे खिचड़ी का चावल और दाल पकेगा, उसी के साथ हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ मैंने सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि सब्जियाँ हमारे बिल्कुल गल के मैशी हो जाएगी। और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारा काफ़ी अच्छे से पक गई है। हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं खिचड़ी का चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। और इस टाइम पे हम इसे 2 मिनट के लिए और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी अच्छे से पक गई है। और इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को स्पैचुला या बड़े वाले चम्मच से इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे खिचड़ी का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस टाइम पे यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और हम इसे खिचड़ी के गर्मी में ही अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम खिचड़ी में 1 चम्मच भुनी हुई सफ़ेद तिल डालेंगे और तिल डालकर इसे अच्छे से खिचड़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने भुने हुए तिल का यूज़ किया है, आप चाहे तो खिचड़ी बनाते समय भी इसे फ्राई करके डाल सकते हैं। और अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। तड़के के लिए हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इस जीरे को और हरी मिर्च को अच्छे से क्रैक होने देंगे। और अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और हमारा तड़का अच्छे से पक के तैयार हो गया है। और अब हम तड़के में अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये लीजिए, तड़का हमारा बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म
खिचड़ी के ऊपर डालेंगे। और आप देख सकते हैं खिचड़ी के ऊपर हमारा तड़का जाने से बहुत ही बढ़िया है, इसमें कलर आ गया है। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए इस तरीके से हरा धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो आप भी इस मकर संक्रांति इस तरीके से इस खिचड़ी की रेसिपी को बनाएं, ये झट से बन के तैयार हो जाती है और इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब होता है। और ये आपके घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। और इस तरीके से खिचड़ी आप सर्दियों में कभी भी बना के खाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए और इजी रेसिपी के साथ। तो इस तरीके से यहाँ मैंने खिचड़ी को पकौड़ी, पापड़ और दही के साथ सर्व की हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें।